रुक करेंगे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस का। तीन तलाक बिल को लेकर संसद ने इतिहास रच दिया है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी तीन तलाक बिल पास हो गया है। बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इससे पहले राज्यसभा में तीन तलाक बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव वोटिंग के बाद गिर गया था। बिल का विरोध करने वाली कई पार्टियां वोटिंग के दौरान राज्यसभा से वॉकआउट कर गई। इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बताते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है। तीन तलाक बिल 26 जुलाई को इसी सत्र में लोकसभा से पास हो चुका है। तीन तलाक बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने बिल पास होने के बाद कहा है कि तीन तलाक बिल पास होना लैंगिक न्याय की जीत। उत्तर प्रदेश दौरे में कोरियाई डेलीगेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचा है। इस दौरान कोरियाई डेलीगेशन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच उत्तर प्रदेश पर्यटन में निवेश करने को लेकर लंबे समय तक बैठक चली। इस बैठक में यूपीडा के सीईओ अविनेश अवस्थी भी मौजूद रहे। इन्वेस्टर समिट के बाद ये सबसे बड़ी बैठक थी। इस बैठक में डिफेंस कॉरिडोर और पर्यटन को लेकर चर्चा की गई है। कोरिया डिफेंस कॉरिडोर में भी निवेश करेगा। यूपी के राज्यपाल का पदभार संभालने के बाद पहले ही दिन आनंदीबेन पटेल शाम राजकीय बाल गृह शिशु का दौरा किया है। दत्तक गृह व शिशु गृह का निरीक्षण करते हुए उन्होंने बच्चों के खान पान, शिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों को दुलराते हुए फल व चॉकलेट भी बांटी है। राज्यपाल ने सबसे पहले गार्ड रूम व परामर्श केंद्र का निरीक्षण किया है। इसके बाद शिक्षक कक्ष पहुंचे। यहाँ बच्चों ने अपने हाथ से बनाए कार्ड पुष्प देकर गीत के साथ उनका स्वागत किया है। बच्चों ने उन्हें बच्चे मन के सच्ची और कौवा प्यासा था गीत सुनाया। इस दौरान बच्चों के एक सुर व साथ साथ न गाने पर राज्यपाल ने शिक्षकों से नाराजगी जताई। अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने आजम खान पर हमला बोला है। उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस यूनिवर्सिटी के में देश विरोधी शिक्षा दी जाती है उसको जौहर नहीं जहर या हलाहल यूनिवर्सिटी कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के नाम पर गरीबी की जमीन पचा ली गई है, लेकिन योगी जी के शासन में आजम खान का हाजमा ठीक कर दिया जाएगा और पीड़ित किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाई जाएगी। बिजनौर जिले में स्थित एक मदरसे की छत पर धमाका होने से एक सनसनी फैल गई है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग दहशत में आ गए हैं। पुलिस और खुफिया विभाग मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। धमाके के बाद मदरसे का एक छात्र गायब हो गया है। ये धमाका जिले के नगीना थाना क्षेत्र में स्थित तराई वाली मस्जिद में हुआ है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मदरसे के बारीकी से जांच की है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा, ना कोई संदिग्ध वस्तु मिली है। पूछताछ के लिए पुलिस ने मदरसे की देखरेख करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है। लोगों का कहना है कि धमाके की आवाज के तुरंत बाद ही युवकों के थैले के साथ बाइक से भागते हुए देखा गया था दो युवकों को। आगरा जिले के शमशाबाद थाना क्षेत्र में विश्वा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष होने का मामला सामने। आपको बता दें, दरअसल दो पक्षों में जमीनी विवाद के चलते कहासुनी हो गई थी, जिसमें देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि जमकर लाठी डंडे चलने लगे। इस घटना में महिला सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। झांसी के पुंछ थाना इलाके में नेशनल बाईपास पर बदमाशों ने ट्रक चालक और क्लीनर को गोली मार कर लूटपाट की। गोली लगने से ट्रक चालक की मौत हो गई और क्लीनर घायल हो गया, जिसके बाद बदमाशों ने हाईवे पर ही चालक और क्लीनर को ट्रक से नीचे फेंक दिया और फरार हो गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल क्लीनर का इलाज कराया। वही पुलिस ने ट्रक भैमलौरी के पास लावारिस हालत में मिला है। वही एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने टीमों गठित कर फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई और जल्द ही बदमाशों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस हत्याकांड का खुलासा करने की बात कही गई। बीते दिनों नाबालिग से गांव के ही दो युवकों पर गैंगरेप करने का आरोप लगा था। वहीं आरोप के बाद से ही पीड़िता दबंगों के डर से अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहां रहने को मजबूर हो गई थी।
पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर 9 दिन थाने में रखने के बाद छोड़ दिया था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की साठगांठ से आरोपियों को छोड़ दिया गया है। अब आरोपी परिजनों की जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपको बताते चले कि पूरा मामला सीतापुर पिसावा थाना क्षेत्र के गांव का है। वहीं न्याय के लिए पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई न होने से परिजन न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। यूपी के हमीरपुर जिले में आज जिला प्रशासन उस समय सख्ती में आ गया जब अन्ना जानवरों से परेशान सैकड़ों किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले तहसील परिषद में महापंचायत का आयोजन किया। किसानों ने प्रदर्शन करते हुए एसडीएम के सामने जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसी के साथ किसानों ने जिला प्रशासन को 2 दिनों के अंदर अन्ना जानवरों के इंतजाम करने की चेतावनी भी दी। झांसी के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय स्वास्थ्य संचार की कार्यशाला में मीडिया से भी चर्चा की गई है, जिसमें सीफार टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दौरान प्रजनन शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य, टीकाकरण, गैर संचारी रोग, टीवी, आयुष्मान भारत योजना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर डॉक्टरों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडी स्वास्थ्य सुमन बाबू और सीएमओ सुशील प्रकाश ने कई जानकारियां दी। आगरा के शमशाबाद पुलिस ने 15,000 के शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, मुखबिर की सूचना पर पुलिस चेकिंग के लिए गई, तभी पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस गिरफ्त में आया शातिर अपराधी के ऊपर 15,000 का इनाम दर्ज था। वहीं पकड़े गए बदमाश के पास से अवैध 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पकड़ा गया बदमाश क्षेत्र में लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। फिलहाल शमशाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर पकड़े गए बदमाश को जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन ने छापा मारा है। इस दौरान पुलिस को करीब 300 किताबें अभी तक मिल चुकी हैं। पुलिस का कहना है कि किताबें चोरी की गई थी। ये किताबें करीब 100 से 150 साल पुरानी हैं। इस मामले में अब तक यूनिवर्सिटी में 4 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस कप्तान अजय पाल शर्मा का कहना है कि 1774 में रामपुर में स्थापित मदरसा आलिया में प्राचीन पुस्तकें चोरी हो गई थी, जो जौहर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से बरामद की गई। लखनऊ के पॉश इलाके हलवासिया में मिराज लाउंज से निकल रहे मुख्तार अंसारी के 2 प्रतिनिधियों शहीद जफारी और छोटे भाई नामवर जफारी पर बदमाशों ने गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोग बदमाशों ने गोली चला दी और मौके से भाग गए। वहीं दोनों भाइयों को गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं प्रभारी निरीक्षक राधा रमन सिंह ने बताया कि मुताबिक शाहिद जफारी और नामवर जफारी मूल रूप से मऊ के रहने वाले हैं। शायद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का प्रतिनिधि भी है। दोनों भाई मिलकर लखनऊ में मुख्तार अंसारी के कारोबार की देखरेख करते थे। बदायूं में दिन दहाड़े शहर में डबल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई है। सोता मोहल्ला में 2 दोस्तों की हत्या से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। छोटी बहन जब स्कूल से घर लौटी तो दोनों के शव कमरे में पड़े मिले, तो शव देख बहन बेसुध हो गई। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के सोता मोहल्ले का है, जहां एक कमरे में 2 दोस्तों की बड़ी बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद घर में कोई नहीं था। दोनों दोस्त अलीगढ़ में रहकर पढ़ाई करते थे। शहर में 2 हत्याओं की सूचना पर एसएसपी और एसपी सिटी पर घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। घटना के बाद सोता मोहल्ला में पीएसी और आरएफ तैनात कर दी गई। आगरा के फतेहाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फतेहाबाद पुलिस ने हाल ही में हुई लूट का खुलासा करते हुए शातिरों के गैंग को गिरफ्तार किया है, जिससे लूट का सामान भी बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए सभी लुटेरों का आपराधिक इतिहास भी है और हाल ही में कई लूट की वारदातों को भी ये लोग शामिल थे। पुलिस ने पकड़े गए लुटेरों से लूट का सामान भी बरामद किया। पकड़े गए तीनों शातिरों के से पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया। केंद्र सरकार ने देश में डाकघरों से गंगोत्री के गंगा जल की बिक्री की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। जालौन में मंगलवार को जिला मुख्यालय उरई के प्रधान डाकघर में गंगा जल बिक्री को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर ने
कार्यक्रम की शुरुआत की। डीएम ने 200 ml की बोतल को निर्धारित 30 रुपए में दो लोगों को सौंपी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन्नाव दुष्कर्म कांड की पीड़िता से मिलने के लिए ट्रामा सेंटर पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए पीड़िता व उसके परिवार की हालत के लिए योगी सरकार पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कानून व्यवस्था में सुधार का दावा कर रही है लेकिन अपराध बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पीड़िता के पिता को मार दिया गया, उसके चाचा को जेल में डाल दिया गया लेकिन सरकार विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि जेल में हत्याएं हो रही है, जेलों में अपराधी क्या कर रहे हैं, इसकी खबरें लगातार मीडिया में आती रहती है। इन सबके लिए पुलिस जिम्मेदार है और वही पुलिस वही कर रही है जो सरकार कहती है। बलरामपुर में एसएनबी ने सीमावर्ती गांव के प्राथमिक विद्यालय में लघु सामाजिक चेतना अभियान चलाया जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों को जागरूक भी किया गया, साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में बताया गया। उन्नाव रेप पीड़िता के साथ रायबरेली में हुई सड़क हादसे को लेकर सपा ने जीपीओ गांधी प्रतिमा स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया है। सपा के युवा मोर्चा ने सरकार विरोधी नारे लगाए और कहा कि सरकार विधायक को बचा रही है। रायबरेली का हादसा ना होकर सोची समझी हत्या की साजिश है, मामले की सीबीआई जांच हो और पीड़िता की सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। सपा नेता पूजा शुक्ला का कहना है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मामले पर चिंता जता चुके हैं। उनका कहना है कि विधायक को सीतापुर जेल में शिफ्ट करके दूसरी जेल भेजा था। उन्नाव के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सीतापुर की जेल में बंद है। वहीं कुलदीप सेंगर पर जेल में हो रहे कर साजिश रचने का आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि रेप पीड़िता का एक्सीडेंट होने पर सीतापुर जेल में हड़कंप मच गया है। रेप पीड़िता मरने का साजिश से पहले लोगों को जेल में आना जाना रहता था। विधायक से मिलने के लिए कई गाड़ियां जमावड़ा देखने को मिल रहा था। कई बार तो रात में विधायक का भतीजा पहुंचा तो रात में मीडिया कर्मियों के पूछने पर मुंह छिपाकर भाग निकले। खबर गाजीपुर से जहां 48 घंटे में जले ट्रांसफार्मर बदलने का शासन का निर्देश हवाई साबित हुआ है। जिले में सैकड़ों ट्रांसफार्मर जले पड़े हुए लेकिन उनकी मरम्मत हफ्तों से नहीं हो पाई है। बिजली विभाग का स्टोर जले ट्रांसफार्मरों से अटा पड़ा है लेकिन महज 18 से 20 ट्रांसफार्मर ही प्रतिदिन मरम्मत की जा रही है। ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय अफसर इस समस्या से बेपरवाह बने हुए हैं। कासगंज में कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक तीन लोगों को रौंद दिया जिसमें 45 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों द्वारा घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां चिकित्सकों ने दोनों घायलों को अलीगढ़ रेफर कर दिया है। वहीं युवक की मौत से उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि सदर कोतवाली के गाँव नगला सैया के पास की पूरी घटना है। बागपत के ऐतिहासिक परशुरामेश्वरपुरा मंदिर में शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। जिला प्रशासन ने मंदिर पर भक्तों को सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक कर श्रद्धालु देश और परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। बागपत जनपद के परशुरामेश्वर पूरा महादेव मंदिर का खास महत्व है। शिव भक्त यहाँ भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक करने के लिए हरिद्वार से जल लेकर पैदल सैकड़ों मील का सफर तय करके आते हैं। फाल्गुनी माह की महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।